अस्सलाम वालेकुम वीरन वीरनियम, मैं आपकी अपनी बलवशा और आपका शुक्रिया अदा करने भी आई हूँ आज कि जिस तरह मेरे भाई की जो अर्जेंट मेडिकल अपील वाली वीडियो पे आप लोगों ने सपोर्ट किया। मैं कहनी हूँ बिल्कुल इस तरह से जिस तरह मैं अपने भैन भरावान ने पूछे तो वो मेरे वास्ते दौड़न भजन लग पे ने सारे पासे। कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आपने मुझे नहीं दी, कहाँ कहाँ आपने बात नहीं की, जिन्हों जो पता सी उन्हें उसे तरीके मेरी हेल्प करने की कोशिश की। और मैं अपने आप नू इस चीज़ इन्ना खुशकिस्मत समझनी हाँ कि मैं जिन्हों नहीं जानती वह भी मेरे वास्ते दुआगो ने, मैं जिन्हों नहीं जानती वह भी मेरी मुश्किल च मेरे नाल। पर तुहानू बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली होगी कि मेरा प्यारा भरा जड़ा है, मेरा छोटा वीर, वो नहीं रहा। शायद मैं टू लेट कर दिता पूछण वास्ते, शायद अब बहुत जल्दी पूछ लेना चाहिए सी। असी ऐसी सोसाइटी च रहने हैं ना जिथे असी गल करदे डरने हैं, जिथे सानू यह बहुत महसूस होंगे है कि गल करनी चाहिए है कि नहीं, पूछना चाहिए है कि नहीं। तो बस यही सोचने हैं कि किस तरह करिए गल की करिए, पर फिर असं कहने हैं कि लिखिए इस तरह से अल्लाह ने इस जी लिखिया से, इस तरह ही होना से, यह साडा ईमान है। तो जे साडा इस चीज़ पर ईमान ना होए तो साडा अपना सुकून सब कुछ हराम हो जाता है। असी मेंटली पागल हो जाने हैं जे असी इस चीज़ पर बिलीव यकीन ना रखिए कि अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की रज़ा है। तो अल्लाह की रज़ा नूं असी मानने, असी अल्लाह की रज़ा च राजी होंने, अल्लाह बेहतरीन फैसले करने वाला, अल्लाह साडे वास्ते जो बेहतर है अल्लाह साडे वास्ते वो करदा। तो ये अल्लाह की जो बेहतरी सी तो अल्लाह मेरे भरा नूं जन्नत च जगह देवे। तुसी भी जो जो कोई पढ़ सकता है, जो जो दुआ कर सकता है उहदे वास्ते दुआ करो, उहनू पढ़ के बख्शो, असी भी पढ़ के बख्शने उहदे वास्ते, उहदी मगफरत की दुआ करो अल्लाह वास्ते। तो मेरे इस भरा की ना एक स्टोरी है, मैं कहा चलो तुहाडे नाल अज स्टोरी शेयर करा, क्योंकि कल्या बैठ बैठ के ना बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। मैं किन्ना कुछ चीज़ के बारे सोचा, मैं किन्ना कुछ सोचा कि मैं इंज कर लैंदी तो इंज हो जाता, मैं उंज कर लैंदी तो उंज हो जाता, नहीं हो सकिया। तो मेरा भरा बड़िया मन्नतां ते मुरादां नाल पैदा होया, बहुत ही दुआवां मंग मंग के लिया। साडे बेजी सन मेरी दादी जी, उन्होंने बहुत शौक सी। मेरा एक भरा है, अल्लाह उन्हें जिंदगी देवे वड्डा। मेरी दादी जी नूं शौक बहुत सी कि जोड़ी रले, एक होर पुत्र होए, तो पांच बेटियां तो यह बेटा होया। फिर यदि बड़िया मन्नतां मुरादां दुआवां खुशियां, खुशियां तो खैर नहीं कीतियां उंज के मेरी अम्मी ने ना इन्हू मंगता कर छड़िया। मंगता इंज कीता, अल्लाह अगे दुआ मंगी कि या अल्लाह तू मैनू पुत्र दे। तो जिनी देर तक वो अपने मूँह कुछ नहीं ना मंगेगा, मैं उन्हें नवी चीज़ लैके नहीं देनी। तो मेरी कजन सन, उन्होंने बच्चे सन यदी एज दी, तो उन्होंने कपड़े उन्हें पाने। तो पहली बारी जदों बोलिया ना उन्हें अम्मी को जुत्ती मंगी, तो अम्मी ने उन्हें जुत्ती नवी लैके दी, फिर बड़ा ही खुश हो। इस तरह की कोई ना, मैं कहनी हाँ कि अजकल के दौर च तो यह गल्ला ना असं सुनने ना असं वेखने, पर एक जड़ी तड़प हुंदी है औलाद दी, अल्लाह ने बेटा बेटी जड़ी है ना दोवें चीज़ां बनाईयां ने। ते जिहदे कोल बेटी नहीं वह बेटी वास्ते रोंदा, जिहदे कोल बेटा नहीं वह बेटे वास्ते रोंदा। जिन्हों इन्हां चीज़ां नाल बहुत ही प्यार है वह कहिंदा कि अल्लाह उन्हों बेटियां भी बेशुमार देवे ते बेटे भी देवे, ते वह खुश हुंदे ने अपनी औलाद नूं वेख के। ते बस यही चीज़ सी, वक्त गुजरता गया, सारे वड्डे हुंदे गए, किधरे ना किधरे फिर जो छोटे बच्चे ने ना वो आपस च एक दूजे नाल मगन हो जाते हैं। वड्डियां दा ध्यान उन्हां वल जांदा ही नहीं, माँ बाप भी वड्डियां बच्चों तक ही ज़्यादा रह जाते हैं। छोटियां दा हुंदा कि इन्हां नूं ते पता ही नहीं किसी गल का, इन्हां नूं की पुछना, इन्हां ने की कहना, इन्हां नूं नहीं पुछण की जरूरत, यह कहणगे कि ठीक ही है। इस तरह हो जाता सारा कुछ। तो मैनू याद है मेरी अम्मी ने रोज़ उन्हें शामी तैयार करना, गर्मियां होंदिया सन रोज़ शामी उन्हें आइसक्रीम खवानी कि
ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੀ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਅਫਸੁਰਦਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਮ ਅਕੇਲੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮ ਆਪਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਤੇ ਹਾਂ ਤੋ ਹਮੇਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰੀਓ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਓ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਹਾਨੀ ਆਫਤ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।